सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी का लेसन नंबर 9 स्टोमक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन जो हम कल कर रहे थे, उसी के अंदर आज हम स्टोमक के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पोर्शन जो है, जहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, वो होता है मुंह। तो मुंह के बारे में हमने टीथ के बारे में, टंग के बारे में, गम्स के बारे में और ईसोफेगस के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, इनका अध्ययन किया था। यानी वो पोर्शन जो कैविटीज से बाहर का हिस्सा था, जैसे मान लो गर्दन में था या मुँह में था, वो पोर्शन हमने अध्ययन किया था। आज हम वो पोर्शन उन पोर्शन का अध्ययन करेंगे जो पशु के गुहा यानी कैविटीज यानी एब्डोमिनल थोरेसिक कैविटी, पेल्विक कैविटी, इनमें जो पोर्शन होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के, उसका अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहला जो कैविटीज में पाया जाता है वो है स्टोमक, यानी जिसे पेट बोलते हैं स्टोमक, तो यह आमाशय जिसे बोलते हैं। तो आमाशय जो है उसके जानवरों में अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार के पेट होते हैं, उनके भाग अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो किसी में सिंगल पेट है, किसी में पेट के चार भाग हैं, किसी के पेट के तीन भाग हैं, तो उसके आधार पर जो है उनका हम वर्गीकरण करते हैं। तो एक होता है साधारण आमाशय या एकल आमाशय वाले, या एरुमन यानी नॉन रूमिनेट जिसे बोलते हैं, वो पशु जिनके एक ही आमाशय होता है यानी पेट का एक ही भाग होता है, जिसे ट्रू आमाशय बोलते हैं, और उनको ट्रू आमाशय वाले पशु बोलते हैं। जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, सूअर है, ये ऐसे पशु हैं जिनके पेट में सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट होता है यानी पेट का एक ही भाग होता है, जिसे आमाशय बोलते हैं, जो कि ट्रू स्टोमक होता है। दूसरे होते हैं रुमंथी यानी रूमिनेट्स, जो जुगाली करते हैं। इसमें वो पशु आते हैं जो जुगाली करते हैं, लेकिन उनके आमाशय के चार भाग होते हैं, यानी चार भाग, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये चार भाग होते हैं और ये पशु जुगाली करते हैं, इसलिए इनको पोलीस्टोम अथवा रूमिनेट कहते हैं। यानी इसके पेट जो है वो एक से ज़्यादा पेट होते हैं, यानी पेट के चार भाग होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनके पेट में चार भाग होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। एक होता है, तीसरा प्रकार है शूडो रूमिनेट, मतलब शूडो रूमिनेट, इसमें वे पशु आते हैं जो जुगाली तो करते हैं लेकिन उनके आमाशय के तीन भाग होते हैं, रूमन, रेटिकुलम और एबोमेजम, यानी ओमेजम इसमें नहीं होता है। इसका उदाहरण है ऊँट, अपने जो ऊँट है उसमें आमाशय के तीन भाग होते हैं, तीन कंपार्टमेंट होते हैं, रूमन, रेटिकुलम और एबोमेजम, यानी ओमेजम एब्सेंट होता है। और ऊँट के अलावा लामा भी एक प्रकार का जो है ना ठंडे देशों में पाया जाने वाला प्राणी है, ऊँट की तरह ही मान लो इसको लामा, तो उनमें उसको शूडो रूमिनेट बोलते हैं, शूडो रूमिनेट। अब आज हम अध्ययन करेंगे स्टोमक ऑफ रूमिनेट्स, यानी जुगाली करने वाले पशुओं का पेट जो है उसके अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है ना जुगाली करने वाले पशु जो है उसके आमाशय जो है वो बहुत बड़ा और मांसल होता है, यानी एक तो साइज में बहुत बड़ा होगा, एक मांसल होगा, और ये एब्डोमिनल कैविटी जो है, पेट जो जिसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, यानी पहले थोरेसिक कैविटी आती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स है, हार्ट है, उसके बाद में आती है एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें पशु का पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत का कुछ हिस्सा होता है, और फिर आता है पेल्विक कैविटी। तो ये जो है स्टोमक जो है रूमिनेट का, ये बहुत बड़ा और मांसल होता है, और ये उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी के 3/4 भाग में, यानी उसका जितना पोर्शन है उसका 3/4 भाग ये पेट जो है उसका घेरता है,
और ये बाईं तरफ होता है, यानी पेट जो है ये पशु के बाईं तरफ होता है। अगर पशु को आप सीधा खड़ा करोगे तो आप उसके पशु के पीछे आप खड़े हो जाओगे तो आपका जिधर हाथ बाएँ है उधर की उस साइड में ये स्थित होता है। अब इन पशुओं में गाय भैंस भेड़ बकरी जो है वो आते हैं और उनके जो अमाशय है उसके चार भाग होते हैं, उसके चार भाग होते हैं। आप इसको जब इस लेक्चर को आप सुनोगे तो आप अपनी किताब खोल के रखना और किताब में डायग्राम देखना साथ में, जो डायग्राम बिल्कुल क्लियर है कि ये पोर्शन कैसे कैसे इनके नाम है कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। तो ये जो अमाशय है इसकी कुल क्षमता जो है, अनुमानित कुल क्षमता इसकी 100 से 235 लीटर की होती है। इसकी क्षमता जो है ना, कैपेसिटी जो है वो 100 से 235 लीटर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी इसका जो मार्जिन जो है 100 से 235 लीटर का मार्जिन है, बहुत मार्जिन है। ये पशु की उम्र और उसकी नस्ल पर निर्भर करता है। जैसे मान लो पशु छोटी उम्र का होगा तो ये इसकी कैपेसिटी कम होगी, यानी ये आकार में छोटा होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसका आकार बढ़ता जाएगा। छोटी नस्ल के पशु होंगे, गाय जैसे छोटी नस्ल की, देसी नस्ल की है, छोटी नस्ल है तो उसका आकार छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे नस्ल के अनुसार शरीर बड़ा होता है, जैसे मान लो होल्स्टीन है, जर्सी है, ये बहुत बड़ी बड़ी मतलब बॉडी बहुत बड़ी होती है इनकी, तो इसमें ये अमाशय जो है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी जो 235 लीटर की तरफ कैपेसिटी हो जाती है। छोटी नस्ल है तो 100 लीटर की तरफ इसकी कैपेसिटी होगी। रूमन, अब इसमें पहला भाग है रूमन। रूमन जो है वो इसको रूमन या रोमन्थिका बोलते हैं, रोमन्थिका भी इसको बोलते हैं। ये अमाशय की पूर्ण क्षमता का 80% होता है, यानी 100% अगर अमाशय पूरा 100% है तो रूमन जो है वो 80% कवर करता है। अमाशय का 80% होता है रूमन। दूसरा पार्ट होता है रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं जालिका। जालिका ये अमाशय की पूर्ण क्षमता का 5% होता है, यानी ये 5% भाग इसका अमाशय का 5% भाग रेटिकुलम होता है। तीसरा होता है मज्जिका, यानी ओमेजम बोलते हैं जिसको, ओमेजम। ये अमाशय की पूर्ण क्षमता का 7 से 8% होता है, ये 7 से 8% होता है। लास्ट में जो है पार्ट इसका है अमाशय का, यानी स्टोमक का पार्ट जो है वो है एबोमेजम, यानी एबोमेजम जो है वो वास्तविक अमाशय है, यानी ये ट्रू स्टोमक है। एबोमेजम जो पार्ट है इसका, ये ट्रू स्टोमक है, ये भी अमाशय की पूर्ण क्षमता का 7 से 8% होता है। यानी इनकी कैपेसिटी जो है ना, अमाशय के चार भाग होते हैं, चार भाग किस किस कितनी कितनी कैपेसिटी के होते हैं पूर्ण क्षमता का, 80%, 5%, 7 से 8% और 7 से 8%, और ट्रू स्टोमक होता है एबोमेजम, जहाँ पे असली पाचन क्रिया एबोमेजम में होती है। अब रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम, ये जो इनकी वाल है अंदर की, इंटरनल वाल जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम की बनी होती है। एपिथीलियम टिश्यू जो आपने विस्तार से पहले पढ़े थे, मैंने आपको ये कहा था कि इनको भली प्रकार से याद करना कि ये इनका मतलब क्या है, ताकि ये बार बार जो है ना, आप जैसे ऑर्गन पढ़ेंगे तो ये टिश्यूज बार बार आएंगे, सेल बार बार आएंगे, कौन सा सेल है, कौन सी टिश्यू है, कौन सी ग्लैंड्स है। तो ये जो रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम जो है, ये तीन भाग जो है इसके, इनकी भित्ति जो है वाल है उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होता है। यहाँ पर प्रोटोजोआ, रूमन में प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ जो भोजन को पचाने में काम करते हैं, और सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स वो भोजन को फर्मेंटेशन द्वारा पाचन होता है यहाँ पे भोजन का। इन तीनों को, जो रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम है, इन तीनों को फोर स्टोमक या प्रोवेंट्रिकुलस या अगर अमाशय बोलते हैं इसको, अगर अमाशय भी बोलते हैं। अमाशय के अंतिम भाग में, यानी अमाशय का जो लास्ट भाग है वो एबोमेजम कहते हैं। एबोमेजम की
स्लेस्मा में यानी उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, इसलिए इसे ग्लैंडुलर भाग भी कहते हैं। एबोमेजम को आपको पूछ ले कल को कि एबोमेजम को ग्लैंडुलर एबोमेजम क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि उसमें ग्रंथियाँ पाई जाती है, उसके स्लेस्मा झिल्ली में ग्रंथियाँ होती हैं, इसलिए इसे ग्लैंडुलर भाग कहते हैं। इसी भाग में भोजन का वास्तविक पाचन होता है, इस कारण इसको वास्तविक पेट या ट्रू स्टोमक भी कहते हैं। अब रूमन और रेटिकुलम, यानी रूमन और रेटिकुलम मिलकर एक डोम शेप, ढोल की आकृति की तरह एक आकृति बनाते हैं, जिसे एट्रियम वेंट्रिकुलस बोलते हैं। यानी रूमन और रेटिकुलम दोनों मिलकर जो शेप बनाते हैं उसको एट्रियम वेंट्रिकुलस कहते हैं। इसी जगह रूमन में ग्रासनी आकर जुड़ती है, यानी जो इसोफेगस है वो यहाँ आकर इस जगह पे जो डोम शेप्ड आकृति है वहाँ इसोफेगस आके जुड़ता है, और एक यहाँ पर चार इंच लंबा कीप नुमा फनल शेप्ड भाग होता है जहाँ पे ये जुड़ता है। इस भाग को कार्डियक एंड भी बोलते हैं, कार्डियक एंड इस भाग को बोलते हैं। तो अब अपने ये तो हो गए चारों पोर्शन के बारे में समरी छोटी छोटी कि भाई ये क्या क्या है कैसे। अब अपने पहले वर्णन करते हैं रूमन का, यानी रूमन थीका, रूमन अथवा पाउच भी बोलते हैं इसको, रूमन को पाउच भी बोलते हैं। ये आमाशय का सबसे बड़ा, यानी आमाशय जो है पेट जिसे बोलते हैं, स्टोमक जिसे बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा और मस्कुलर भाग है, मस्कुलर भाग है, और ये पूरे पेट का 80% होता है, यानी पूरे पेट का 80% भाग कवर करता है रूमन। और रूमन की कैपेसिटी जो है वो 80 से 184 लीटर होती है, 80 से 184 लीटर पूरे पेट की कैपेसिटी है, 100 से 235 लीटर, जबकि सिर्फ रूमन की कैपेसिटी 80 से 184 लीटर, यानी 80% भाग ये कवर करता है। अब ये जो है एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी दोनों में स्थित होता है रूमन, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी दोनों में स्थित होता है। ये बाईं तरफ होता है, यानी जो मीडियन लाइन है जिसको भाग ऊपर से गाय को पशु को दो भाग में डिवाइड करते हैं सीधी लाइन से, तो ये बाईं साइड में सातवीं और आठवीं पसली से लेकर सेवंथ और एट्थ पसली से लेकर रिब से लेकर के पेल्विक इनलेट, जो पेल्विक कैविटी का इनलेट है, बाहर निकलने का रास्ता जो है इनलेट बना होता है पेल्विक कैविटी का, वहाँ तक स्थित होता है रूमन, वहाँ तक स्थित होता है। इसकी स्थिति जो है पोजिशन ही अगर आपको बतानी हो तो आप बता सकते हो कि बाईं तरफ सातवीं से आठवीं रिब से लेकर पेल्विक इनलेट तक ये स्थित होता है। अब इस रूमन की जो है दो सतह दो होती है, सरफेस इसकी दो होती है, एक बाईं अथवा पेराइटल सरफेस बोलते हैं उसको, पेराइटल मतलब पेरिटोनियम की तरफ, पेरिटोनियम होता है ऊपर और बॉडी में बाहर की साइड में, बाहर की साइड की तरफ की जो सतह होती है उसको बोलते हैं बाईं अथवा पेराइटल सतह, और एक सतह होती है दाईं अथवा विसरल होते हैं ऑर्गन की साइड में, दाईं साइड में जो है ना उसकी सतह होगी वो ऑर्गन होंगे दूसरे उनकी साइड में, तो इसको बोलते हैं विसरल सतह या राइट सतह। इसके दो सिर होते हैं, यानी इसके जो दो एंड होते हैं, दो सिर होते हैं इसके, एक क्रेनियल होता है अग्र, मतलब जो मुंह की तरफ होता है अग्र आगे की तरफ होता है उसके क्रेनियल बोलते हैं, और एक होता है पीछे की साइड वाला कोडल, ये इसके दो सिरे हैं जिसे अपने सिर बोलते हैं। इसके दो कर्वेचर है, कर्वेचर का मतलब है ढलान टाइप जिसे बोलते हैं, कर्व लेता है ना, दो कर्वेचर है इसके, एक तो डोर्सल कर्वेचर होगा ऊपर की साइड में डोर्सल होगा तो वो इस तरह से कर्वेचर है यूँ, एक होता है नीचे का वेंट्रल कर्वेचर, नीचे का कर्वेचर नीचे की साइड में जो कर्वेचर है वो हो गया वेंट्रल कर्वेचर। अब इसका जो सतह है इसकी बाईं सतह, यानी बाहर की साइड की सतह जो है लेफ्ट साइड में बाहर की सतह जो रूमन की है वो उत्तल होती है, उत्तल का मतलब है उभरा हुआ यूँ इस तरह से, उत्तल जैसे ये मेरा हाथ है ये ऊपर की साइड जो है हाथ की ये उत्तल है और नीचे की है वो मतलब खड्डे टाइप है वो अवतल है, तो ये
ऊपर की सतह उत्तल होती है, यानी डोर्सल सतह जो है उत्तल होगी और वो स्प्लीन, डायफ्राम और लेफ्ट एब्डोमिनल वाल से सटी होती है। लेफ्ट एब्डोमिनल वाल जो है, पेट की वाल जो है लेफ्ट साइड की, वो प्लस स्प्लीन, पलिया जिसे बोलते हैं, स्प्लीन और डायफ्राम। डायफ्राम आपने देख रखा जो एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करता है, वो डायफ्राम है। विसरल सतह जो है इसकी, वो दाई सतह जिसे बोलते हैं, ये सतह असमान होती है, ये मतलब एक जैसी नहीं है, असमान होती है। ये ओमेजम, एबोमेजम और इंटेस्टाइन, लीवर, पेंक्रियास, लेफ्ट किडनी, एड्रिनल और कोडल वेना केवा जो है, ये 31 चीज़ों से इसकी सतह जो है वो सटी हुई होती है। यानी कितनी सतह है, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि जो दाई सतह, रूमन की दाई सतह जिसे विसरल सतह बोलते हैं, वो किस किस से सटी होती है, ओमेजम, एबोमेजम, इंटेस्टाइन, लीवर, पेंक्रियाज, लेफ्ट किडनी, एड्रिनल और कोडल वेना केवा, इतने से जुड़ा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा इसको। रूमन की दाई और बाई सतह, यानी क्रम से रेफ्ट व लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप द्वारा, यानी ये दाई और बाई सतह जो है वो राइट और लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लंबाई में जो ग्रूव है यानी खड्डे हैं, उनके द्वारा डोर्सल और वेंट्रल सैक में विभाजित हो जाते हैं। जो ग्रूव बनते हैं उनके द्वारा एक डोर्सल, मतलब जब लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बनेगा तो ऊपर वाला जो है सैक वो हो जाएगा डोर्सल सैक और नीचे वाला वेंट्रल सैक हो जाएगा, तो दो सैक में विभाजित हो जाता है। अब एंटीरियर जो है, यानी रेटिकुलर, जो रेटिकुलर की तरफ है वो एंटीरियर हो गया, वो एक्सट्रीमिटी जो है नीचे की तरफ, जो रेटिकुलर की साइड में एंटीरियर जो एक्सट्रीमिटी है रूमन की, वो नीचे की तरफ एंटीरियर ग्रू द्वारा, एंटीरियर जो ग्रू है उसके द्वारा एंटीरियर डोर्सल ब्लाइंड और एंटीरियर वेंट्रल ब्लाइंड सेक में विभाजित होते हैं। दो सेक बनते हैं जो एंटीरियर रेटिकुलर एक्सट्रीमिटी के नीचे जो ग्रू है, एंटीरियर ग्रू, उसके द्वारा एंटीरियर डोर्सल ब्लाइंड और एंटीरियर वेंट्रल ब्लाइंड, यानी ऊपर नीचे के दो ब्लाइंड सेक में विभाजित हो जाता है। पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी यानी पीछे की जो एक्सट्रीमिटी है, वो एक डीप ट्रांसवर्स पोस्टीरियर ग्रूव, यानी डीप मतलब गहरा, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे, मतलब ट्रांसवर्स यूँ काटते हैं ना उसको, ट्रांसवर्स पोस्टीरियर ग्रूव यानी पीछे का ग्रूव, और द्वारा उसके द्वारा पोस्टीरियर डोर्सल व पोस्टीरियर वेंट्रल सेक। अब ये सेक है अलग अलग, जो आपको समझने पड़ेंगे यार बस में कैसे बढ़ते हैं, ये याद करना आपको कि ये पोस्टीरियर डोर्सल व पोस्टीरियर वेंट्रल सेक जो है, ये डीप ट्रांसवर्स प्रोसेस ग्रू, पोस्टीरियर ग्रू है उसके द्वारा बढ़ते हैं। इन दोनों को ऊपर व नीचे कोरोनरी ग्रूस स्पष्ट मार्किंग करता है, यानी इन दोनों को ऊपर नीचे जो है उनको कोरोनरी ग्रू होता है, एक ग्रू और बना होता है, ग्रू मतलब खड्डा होता है, उसके द्वारा ये डिवाइड होता है। ये सभी ग्रू जो है, ये रूमन में बाहर की साइड में कितने ग्रू बन गए, 6-7 ग्रू बन गए, यानी ये लाइनिंग टाइप है अंदर की साइड धसे हुए। तो ये जब इनको आप अंदर की साइड से देखोगे, ये ग्रू जो है जब इंटरनल आप रूमन को खोल के देखोगे तो ये पिलर की भांति दिखाई देते हैं, खंभे जैसे होता है ना वैसे दिखाई देते हैं। अब ये आपको इस तरह से, मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में कम आएंगे, जब आपकी क्लासें लगेगी तब आपको मैं इसको मेरे हिसाब से आपको समझाऊंगा कि ये बाहर की साइड के ग्रूव होते हैं, अंदर पिलर की तरह कैसे दिखाई देते हैं। एक होता है इसोफेजियल ग्रूव या रेटिकुलर ग्रूव बोलते हैं जिसको, इसोफेजियल ग्रू या रेटिकुलर ग्रू, ये ग्रू जो, ये ग्रू का मतलब था समझते हो खड्डा टाइप होता है ग्रू गहरा, ये ग्रू जो है इसोफेगस का जो कार्डियक भाग है, कार्डियक भाग जो रूमन से जुड़ता है वो नीचे का भाग कार्डियक होता है, तो उस रूमन के कार्डियक भाग से शुरू होता हुआ रेटिकुलम की दाई दीवार में होता हुआ, यानी जो इसोफेगस का कार्डियक एंड है वहाँ से शुरू होता है और रेटिकुलम जो है उसकी दाई दीवार में होता हुआ, दाई साइड जो है उसकी दीवार यानी विसरल साइड जो है उसमें होता हुआ
ओमेजल ओरिफिस, ओमेजल ओरिफिस का मतलब है ओमेजम का जो ओरिफिस है, मुंह है, वहाँ समाप्त हो जाता है। ये जो ईसोफेजियल ग्रू है, ये इसके कार्डियक एंड पर एक बटन की भांति, मोती मोती होता है ना बटन, उसकी भांति की एक ओपनिंग होती है इस कार्डियक एंड पर। ईसोफेगस का जो कार्डियक एंड है, और उसके दो होंठ टाइप संरचना होती है, दो जैसे लिप्स होते हैं वैसी एक संरचना होती है। ये मतलब मोती तरीके ओपनिंग है जो कार्डियक एंड पर, ईसोफेगस का कार्डियक एंड है वहाँ पे। और ये जो ग्रू है, अभी मैंने बताया आपको ईसोफेजियल ग्रू या रेटिकुलर ग्रू है, इसकी लंबाई जो है 18 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होता है। आपको ये इसकी लंबाई याद रखनी है कि इसकी लंबाई कितनी होती है ईसोफेजियल ग्रू की। अब ये ईसोफेजियल ग्रू जो है, ये रूमन रेटिकुलम ओमेजम का बाईपास है, ये बाईपास है इनका, यानी इसमें खाद्य पदार्थ जो है वो ईसोफेगस से सीधा जो है एबोमेजम में चला जाता है, बीच में ओमेजम और इनमें नहीं जाता वो, यानी रूमन रेटिकुलम ओमेजम और एबोमेजम है, इसकी बजाय ये इनमें होता हुआ नहीं जाके सीधा ईसोफेगस से एबोमेजम जो लास्ट वाला टू स्टोमक है उसमें चला जाता है। बाईपास आप समझते हो कि हनुमानगढ़ साइड से जब हम आते हैं तो सिटी को क्रॉस नहीं करके बाईपास बाहर की साइड में निकल के और वो पदमपुर रोड से मिल जाता है, ये बाईपास होता है। इसी तरह ये बाईपास है, आप इसको इससे अच्छा उदाहरण और नहीं हो सकता कि ये जो ईसोफेजियल ग्रूव है ये एक बाईपास है जिससे रूमन से ईसोफेगस से जो फूड मटेरियल है वो सीधा एबोमेजम में चला जाता है। अब इसका ये उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हो, जो नवजात बच्चे होते हैं मतलब न्यूली बोर्न काफ जो होते हैं उनमें रूमन डेवलप नहीं होता है, रूमन डेवलप नहीं होता है, वो महीने दो महीने बाद में डेवलपमेंट होता है उसका, इसलिए उस टाइम जो बच्चे का दूध जो सीधा ईसोफेगस से एबोमेजम यानी ट्रू स्टोमक में चला जाता है। ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि भाई ये जो नवजात बच्चे हैं उनमें दूध जो पीता है वो सीधा एबोमेजम में कैसे चला जाता है, तो आप बता सकते हो साहब रूमन उस टाइम डेवलप नहीं होता है। दूसरा क्या है, भेड़ वगैरह में, बकरियों में, भेड़ में जब आप दवाई पिलाते हो एंथेलमेंटिक दवाई पिलाते हो जो सीधी एबोमेजम में जाना चाहिए, रूमन रेटिकुलम ओमेजम में नहीं जाके एबोमेजम में जाना चाहिए, क्योंकि जो पेरासाइट होते हैं वो एबोमेजम होते हैं जिन पर डायरेक्ट असर होना है। तो डायरेक्ट एबोमेजम में दवाई कैसे जाएगी कि कॉपर सल्फेट पशु को पहले पिला देते हैं, 5-10 सेकंड पहले कॉपर सल्फेट पिला देते हैं जिससे ये जो डीवर्मर है ये सीधा एबोमेजम में चला जाता है, क्योंकि ये बाकी जगह इसको रास्ते को बंद कर देते हैं, वो एक प्रकार का ग्रू बंद हो जाता है और वो सीधी एबोमेजम में चली जाती है। ये पहले आपको एंथेलमेटिक पढ़ाया तब भी आया हुआ है कहीं पर। अब इसकी आंतरिक संरचना जो है रूमन की आंतरिक संरचना के बारे में ये है कि बाहर जो ग्रू होते हैं वो अंदर की साइड में पिलर की तरह बदल जाते हैं, बाहर ग्रू जो है वो अंदर पिलर की साइड बदल जाते हैं। और वो पिलर कौन कौन से नाम हैं उनके, राइट लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल पिलर और क्रेनियल एंड कोडल पिलर्स, डोर्सल कोरोनरी पिलर्स एंड वेंट्रल कोरोनरी पिलर्स, ये इनके पिलर्स के नाम हैं जो आपको याद करने हैं। पिलर्स पर म्यूकस मेम्ब्रेन पीढ़ी होती है, जो अंदर की साइड में पिलर है बाहर ग्रू है अंदर पिलर में कन्वर्ट दिखाई देते हैं, पिलर्स पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पीली कलर की होती है और शेष रूमन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भूरी कलर की होती है। अब दोनों जो इसके वेंट्रल सेक में पेपिली होती है, इसके जो वेंट्रल सेक है दो उनमें पेपिली होती है और शेष जो डोर्सल सेक है उसमें पेपिली नहीं होती है, यानी वेंट्रल सेक दो हैं इसके और दो ही डोर्सल सेक होते हैं, तो वेंट्रल सेक में तो पेपिली होती है और डोर्सल सेक में पेपिली नहीं होती है। अब रूमन की दीवार जो है वो चार परतों से बनी होती है, अपने पहले जब डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरुआत की थी ना तब उस होलो नलिका जो एक मुंह से लेके एनस तक जो एक मांसल ट्यूब टाइप है जो एलिमेंट्री केनाल, उसमें हमने पढ़ा था कि उसकी दीवार में चार परत होती है, बिल्कुल यही रूमन में बताया गया कि इसकी जो दीवार है वो चार परतों से बनी होती है, ट्यूनिका सिरोजा, ट्यूनिका मस्कुलेरिस और ट्यूनिका सबम्यूकोजा और ट्यूनिका म्यूकोजा, यानी
सबसे बाहर की साइड में जो है वो ट्यूनिका सिरोजा है और अंदर की साइड में है ट्यूनिका म्यूकोजा है। तो इसको आप जैसे वैसे उसमें पढ़ा था बिल्कुल सेम वही बात है। और इसमें जो ट्यूनिका सब म्यूकोजा है उसके अंदर जो है रक्त संचालित ज़्यादा होता है और ये कोलेजन इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स द्वारा निर्मित होती है। और जो ट्यूनिका मस्कुलर से सेकंड परत जो है ऊपर से अंदर की साइड में चले जो सेकंड परत है वो स्मूथ मसल्स फाइबर द्वारा निर्मित होते हैं। दो प्रकार की स्मूथ मसल फाइबर की बनी होती है, आंतरिक तो होती है सर्कुलर और बाह्य मांसपेशियां लॉन्गिट्यूडनल तंतु द्वारा बनती है। इसी परत में यानी ट्यूनिका मस्कुलरिस जो परत है सेकंड उसी में नरोप्लेक्सस और गेंगलिया होते हैं, नरोप्लेक्सस और गेंगलिया इसी में होते हैं। अब अपने आज जो है ये रूमन तक ही अध्ययन करेंगे, कल अपने रेटिकुलम ओमेजम एबोमेजम और डिफरेंशियल स्टडी करेंगे घोड़े वगैरह की। धन्यवाद।